बयानों को इन विषयों पर कम से कम कोई गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यही तेजस्वी यादव है जिन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट बैठक में पहला जो कलम से डिसीजन लूंगा वो 10 लाख नौकरी देने का है। तो स्वाभाविक तौर पे कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति को समझ में ही नहीं है, कहा था कि पहला ही डिसीजन कैबिनेट में लूंगा, तो अब आपको पूछना चाहिए कि या तो कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है या फिर कलम टूट गया कि स्याही सूख गई। कैबिनेट की बैठक तो हो रही है तो भैया 10 लाख नौकरी देने से कौन रोक रहा है। आपने कहा कि 10,000 सिपाहियों को या पुलिस में भर्ती हुई, ठीक बात हुई होगी, हम लोग भी उसका संकलन कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी और 10,000 पुलिस की भर्ती में फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। तो मैंने जिस दिन तेजस्वी यादव की बात का तो मैं बहुत कोई बहुत सीरियसली उसका संज्ञान नहीं लेता हूं, लेकिन 15 अगस्त को नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में ये जरूर कहा है कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी एक साल में ये सरकार देगी और 10 लाख अलग से उन्होंने रोजगार की बात की। चलिए रोजगार को हटा दीजिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये नीतीश कुमार के जो खुद से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस वादे को लेकर सवाल उठाते रहे, इस पर हंसते रहे, इस पर ये कहते रहे कि ये कहना कि सरकारी नौकरी 10 लाख लोगों को दी जा सकती है ये अपने आप में अज्ञानता का द्योतक है, हास्यास्पद है, उनकी अनभिज्ञता को दिखाता है। वही नीतीश कुमार जब गांधी मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि 10 लाख नौकरी साल भर में मैं दे दूंगा, तो मैंने ये जरूर कहा है प्रेस वार्ता में कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी नौकरी दे दें साल भर में तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे और जिस तरह 14-15 में उनका काम करते थे उस तरह उनको अपना नेता मानकर फिर से काम करने लगेंगे। लेकिन शर्त यह है कि जो उन्होंने गांधी मैदान से कहा साल भर में 10 लाख लड़कों को नौकरी देके दिखाएं। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस घोषणा के किए हुए करीब करीब आज 4 महीने हो गए, तो 4 महीना तो 12 महीना में निकल गया और अभी आपने स्वयं से बताया कि 10,000 लोगों को नौकरी दी गई है, तब अगले 8 महीने में 9,90,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, हम मान लेंगे कि भाई 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई। अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है तो किसी को पॉलिटिक्स करने की यहाँ क्या जरूरत है, बिहार का भला होना चाहिए, लोगों को फायदा होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार या ये सरकार 10 लाख नौकरी दे सकती है तो दे दे, फिर हमको काम करने के लिए पूरा हिंदुस्तान विश्व पड़ा हुआ है, कहीं जाके काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं ऐसा समझता हूं कि ये सिरे से भरी दोपहरी में आंख में धूल झोंक रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो इसका आइडिया ही नहीं है, किसी सलाहकार ने लिख दिया उस बात को दोहरा रहे, उनको पता ही नहीं कि 10 लाख नौकरी देने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए बजट के प्रावधान क्या होंगे, इसको किया कैसे जाता है, कुछ भी बोल दिया। शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा तो सब कुछ कर दूंगा शिक्षकों का, अब जरा जाके पूछिए शिक्षकों का क्या हो रहा है, रोज शिक्षक भाग के आ रहे हैं मेरे से मिलने, हिसाब कुछ नहीं हो रहा है, गए तो लाठी डंडा चल गया। TET के छात्रों से जाकर पूछ लीजिए, तो ये तो चुनाव में खड़े होकर ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की सरकार ने बिहार को रसातल में पहुंचाया, वो पार्टी आज, उस पार्टी के नेता आज विकास की बात करते हैं, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। मतलब बिहार के लोगों के को कितना बड़ा मूर्ख समझा जा रहा है कि RJD अब जब विकास की बात करने लगे तो देश में कौन पार्टी है जो विकास का दावा नहीं कर सकती है। RJD जिसने 15 साल यहाँ बिहार में शासन किया और बिहार को गर्त में लेकर चले गए, वो लोग शासन की बात कर रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं और उसको आप चाहते हैं कि हम गंभीरता से लें। गंभीरता से नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उसको ले रहे हैं और उस ये भी बता रहे हैं कि हमारी समझ ये है कि उनका ये आकलन गलत है, उन्होंने ये झूठा वादा किया है, और अगर नहीं किया है और वो मुझे गलत साबित कर दें, वो 10 लाख नौकरी दे दें, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनके समर्थन में मैं ये पूरा अभियान वापस ले लूंगा, उनको नेता मानूंगा और कहूंगा कि चाहूंगा कि बिहार में आगे बने रहें, लेकिन 10 लाख लोगों को नौकरी देकर दिखाइए। शिक्षक है 4 लाख, उनको तो वेतन नहीं मिल रहा है, जो वित्त रहित शिक्षण संस्थाएं उसमें हजारों लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। सांख्यिकी वाले लड़के 1.25 लाख थे, उनको हटा दिया गया। इसी तरह टेक्नोलॉजी वाले लड़के जो यहाँ काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया। आप जो ब्लॉक में जो किसान सहायक है उनकी स्थिति जाकर देख लीजिए, पंचायतों में जो वार्ड सचिव है उनकी स्थिति देख लीजिए। अरे भाई, जो लोग हैं उसका तो समायोजन ठीक से कर दो, बाकी नई नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए।